हमीरपुर जिला में पानी की समस्या को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा की अध्यक्षता में आईपीएच के अधीक्षण अभियंता अविंदर चड्ढा से मिला तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आ रही जल समस्याओं से अवगत करवाया। हमीरपुर नगर में पानी की पाइपों में हो रही लीकेज और कई स्थानों पर पानी न मिलने का मामला अधीक्षण अभियंता से उठाया गया तथा इसके साथ ही पानी की समय सारणी को एक बार पुनः सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। हमीरपुर जिला के जाहू कस्बे में आ रही पानी की शिकायत के निवारण के लिए भी संगठन द्वारा अधीक्षण अभियंता को अवगत करवाया गया। संगठन द्वारा हमीरपुर की पेयजल स्कीम को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने की मांग भी संघ द्वारा की गई। इसके साथ ही संगठन द्वारा हमीरपुर नगर के कई स्थानों पर सीवरेज की लीकेज का मामला भी उठाया गया। दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की तरफ से हम लोग आज यहाँ एसी साहब से मिले, चड्ढा साहब से। तो हमीरपुर शहर और हमीरपुर के आसपास बल्कि जाहूक में भी जो पानी की समस्या आ रही है लोगों को, उसके बारे में हमने इनको अवगत कराया और इन्होंने पाया कि कई जगह पर जो हमने समस्याएं उठाई हैं वो काफ़ी जेन्यून हैं और जो भी समस्या हमारे द्वारा उठाई गई है उनको उन्होंने बोला कि उनको हल करने का प्रयास करेंगे और कई इस पे मौके पे ही इन्होंने जो है वो निपटारा करने की कोशिश की है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो क्योंकि अब आजकल गर्मियों का दिन है और काफ़ी ज्वलंत समस्या पानी की समस्या होती है तो लोगों में भी काफ़ी पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो विभाग की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की कोई समस्या लोगों को ना आए और जहाँ जहाँ समस्या आ रही है हम उपभोक्ता संगठन की तरफ से समस्या उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समस्याओं का शीघ्र ही निवारण होगा। जो पानी के वेस्टेज का मामला खुद चड्ढा साहब ने भी उठाया, एससी साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये पानी बचा के रखें तब भी हम लोग समझते हैं कि कम से कम 25-30% पानी जो है और बढ़ सकता है हमारे टैंकों में, तो पानी जो बह रहा है नालियों में फालतू में तो इसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और इन्होंने कहा है कि वो निर्देश जारी कर रहे हैं कि जैसे ही पानी छोड़ जाता है तो मॉनिटरिंग की जाए कि कहाँ पे पानी की लीकेज है और उन पाइपों को बंद किया जाए। अधीक्षण अभियंता ने इस अवसर पर कहा कि हमीरपुर के जाहू में पानी का मसला 2-3 दिन से हल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पानी छोड़ने के उपरांत विभाग के कर्मचारी पानी लीकेज के ऊपर भी निगरानी रखेंगे। संगठन के माध्यम से उन्होंने जनता से भी अपील की कि इन दिनों में पानी का दुरुपयोग ना करें। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में महासचिव मनोहर लाल कानगो, पी एन शर्मा, एस के धीमान, युद्धवीर पठानिया भी मौजूद रहे। अभी जो प्रॉब्लम लीकेज की बताई, ठीक है, कुछ 3-4 स्पॉट यहाँ लीकेज किया तो अकॉर्डिंग डायरेक्शन में दे दूंगा और डिपार्टमेंट को कहूंगा जब भी पानी छोड़े मॉर्निंग या इवनिंग तो पेट्रोलिंग प्रॉपर करें ताकि जहाँ लीकेज दिखाई दे उसको प्रॉपरली प्लग कर दें। और सेकेंड इशू इनका ये था कि आप कहीं टैंकर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे, टैंकर जहाँ तक पानी की कहीं दिक्कत है कि जिन बस्ती में वहाँ पे हम हैंडपम्प लगाएंगे क्योंकि हैंडपम्प से प्रॉपर पानी मिल पाता है और टैंकरों से वेस्टेज के चांसेज रहते हैं। और अब तक हमने 96 हैंडपम्प ऐसे लगा भी दिए हैं डिफरेंट बस्तियों में, मेरे पास जो एरिया है उसमें टोटल हमने हमीरपुर जो मेरा सर्कल है उसमें हमने 96 हैंडपम्प जो लगाए हैं उसमें हमीरपुर में 10, नौनौन में 13 और सुजानपुर और भोरन इनमें मिला के 18 लगाए हैं हमने और बटसर में 5। इस तरफ ऐसे सर्कल घाट में 11 हैंडपम्प लगे हैं और धर्मपुर में जो है वो 22 हैंडपम्प धर्मपुर में लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ताकि ये लीकेज वाला इशू ये कि बाकी कोई पुरानी के पंपिंग इंडरी रिपेयर नहीं हुई है उसको रिपेयर करके ताकि प्रॉपर टाइम पे ताकि वो मशीनरी में कोई ऐसी गड़बड़ ना आए जिससे कि पानी की आपूर्ति ना हो सके।